वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में एक नई भर्ती के साथ। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस भर्ती के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो NMDC लिमिटेड रिक्वायरमेंट में आई हुई है। और सबसे पहले मैं आपको उसकी पोस्ट बता देता हूँ, तो 41 पोस्ट इसमें रखी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन के पास चलते हैं। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नई भर्ती के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलते चलिए फ्रेंड्स क्वालिफिकेशंस के पास चलते हैं। फ्रेंड्स इसमें कितने प्रकार की पोस्ट दी गई है मैं आपको क्वालिफिकेशन और पोस्ट नेम उसके हिसाब से ही बताऊंगा। सबसे पहली पोस्ट मेल अटवार्ड अटेंडेंट की, उसमें तीन पोस्ट रखी गई है। उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है 8वीं क्लास पास होनी चाहिए और 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज़ में होना चाहिए वहाँ पर देखा है, फुल डिटेल से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको इसका ऑफलाइन और ऑनलाइन दो तरीके से फॉर्म को भर सकते हैं और दोनों का डिस्क्रिप्शन में हमारे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो दूसरी पोस्ट फीमेल वार्ड अटेंडेंट की, जिसमें दो पोस्ट है, उसके लिए भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन होगी। अब तीसरी है जो कम डिजायर की, यानी कि ट्रेनिंग के एक पोस्ट रखी गई है और उसके भी आपकी सेम ही क्वालिफिकेशन होगी। और चौथी पोस्ट आपकी असिस्टेंट रेडियोग्राफर की होगी, जिसमें एक पोस्ट रखी गई है। उसके लिए आपके पास जो है एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए ग्रेजुएट साइंस प्लस का और आपकी 10वीं क्लास होनी चाहिए और 3 ईयर्स का आपके पास उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। करीब करीब सभी में आपके पास एक एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। असिस्टेंस ब्लॉक में दो पोस्ट रखी गई है, जिसके लिए आपको ग्रेजुएट इन साइंस में होना चाहिए और सर्टिफिकेट और मेडिकल का आपके पास होना चाहिए और 2 ईयर्स का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब नर्स की बात करते हैं, तो नर्स ट्रेनिंग के लिए आपकी 8 पोस्ट रखी गई है, उसमें आपके BSc नर्सिंग से होनी चाहिए, डिप्लोमा नर्सिंग में होना चाहिए और आपके पास जो है ए नर्सिंग का ए सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपके पास 10वीं क्लास है और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आपके पास सॉरी एक वन का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और सबसे नर्सिंग के लिए मैं आपको पहले इसमें बता ही चुका हूँ। अब दूसरे नंबर की जो पोस्ट होगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और दूसरी पोस्ट जो होगी वो आपकी इलेक्ट्रिकल ग्रेड की होगी। इसमें 5 पोस्ट रखी गई है, 3 ईयर्स का डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए इसे चेस करने के लिए। और SC ST OBC के लिए आपके जितनी भी इसमें पोस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। ब्लास्टर के लिए आपकी एक पोस्ट रखी गई है, आपके पास 10वीं होनी चाहिए और या फिर RTI होनी चाहिए, माइनिंग मैट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिटेल्स है, आप यहाँ पर खुद भी चेक कर सकते हैं फ्रेंड देखिए सर। और दूसरी बात जो आपको पोस्ट वाइज यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है वो पर भी यहाँ पर दिया हुआ है अपर डिवीजन के लिए। और हाउ टू अप्लाई करने के लिए आप इसे मैंने बताया था, दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से ऑफलाइन तरीके से, दोनों का पोस्ट कोड यहाँ पर दिया हुआ है। और पोस्ट एड्रेस अगर ऑफलाइन करेंगे तो उसका पोस्ट एड्रेस भी दिया हुआ है, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इनका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हेल्प लिंक के लिए यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, इस नंबर को आप चेक कर सकते हैं और अपने फॉर्म को यहाँ से कोई दिक्कत होती है तो भर सकते हैं। और ₹150 आपकी जो फीस रहेगी इस फॉर्म को भरने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।